हाय हाय गाइस, गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुर्रम। मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब, रामचरण तो भागने पर कामयाब हो गया है, लेकिन अब आगे देखते हाँ, हैं अब लेकिन आगे ये होता है क्या। भागा क्यों है ये समझ और वही नहीं। ना, उसकी तो शेप शक्ल भी अब चेंज हो गई है। हाँ तो स्टार्ट घर नहीं है, मंदिर है। वही सपने आ रहे हैं, शक्ल भले चेंज हुई है भाई, एहसास जज्बात तो वही है ना। दीप्ति सत्या उधर ही आया ही। हाउस पर कॉन्टैक्ट सत्या। अबे अबे ब्रांड क्या रे हीरो, ये फ्लैट खरीदने आया है। सेल सत्या मतलब सेल लगाया हुआ। वो कहावत सुनिए ना, एक अनार सौ बीमार। इस फ्लैट के साथ यही हो रहा है। आप सच में सत्या हो ना सर? रास्ते का भिखारी हो, सड़क पे बहुत धूप थी इसलिए यहाँ छाव खाने आ गया, और अब भीख देने वालों को बुला बुला के भीख मांग रहा हूँ। आप बुरा क्यों मानते हो सर? आपकी शक्ल बंदरों से कम शरीफों से ज्यादा मिलती है। मैं तो जरा कंफर्म कर रहा था। ए, कहाँ ना फ्लैट बिक गया, चल निकल। अबे ये खुद सत्या है। सत्या का दोस्त हो, इसको भी इसी वक्त टपकना था। इसके सामने सत्या होने का नाटक नहीं कर सकता। अगर इसको पता चल गया कि मैं सत्या नहीं हूँ तो लोचा हो जाएगा, डील पर पोछा लग जाएगा। आपका कोई दोस्त आया है क्या? हाँ दोस्त आया है, लंगोटिया यार है। बचपन में मेरी लंगोटी यही पहनता था। क्या प्रॉब्लम है, उठो। ठीक है, अगली बार आओगे तो रोकड़ा वोकड़ा लेके आना। अंदर आ जावे, अंदर आ जावे। नाम क्या बताया? राम। जानते हो मैं कौन हूँ? सत्या का मामा। है? मैंने उसे पाला पोसा, सत्या सामने मेरे सामने उसके निकल जाती है सुसु सुसु। क्या बे, ये तेरे दोस्त का घर है? मतलब तू क्या कभी भी बिन बादल बरसात यहाँ टपक पड़ेगा? चल ठीक है यहाँ रह ले, लेकिन डिसिप्लिन से। सिर्फ दो दिन तुझे झेलूंगा, उसके बाद एक सेकंड भी रहा तो लात मार के निकालूंगा। ओए वहाँ कहाँ जा रहा है? वो वाले कोने में पड़ा रहे। अबे उसके घर पे उसी की सुनाई नहीं दे रहा, बहरा है क्या? आइला कुलजा सिंह सिंह, खुफिया कमरा। पहले पता होता तो उस दड़ियल से 10 लाख रुपए और मांग लेता। अरे सत्या ने तुझे इस कमरे के बारे में भी बता दिया? और तो जैसा है, कोई भी बात उसके पेट में नहीं रहती। वैसे तू यहाँ आया किस लिए है? कोई इंटरव्यू वगैरह है या और कोई काम? 4 लोगों का खून करने आया। अरे यार तस्वीर हो रही है, मट्टी मट्टी लग चुकी है। पैसा दे नहीं ना, मेरे तस्वीरें। हाँ ये हैं वो सारे। तो ये तीसरे नंबर पे आ, ये चौथे पे, मतलब सबको बारी बारी। ये गेम अरे रॉलिंग कार की चिरंजीवी। देवा भाई वो लड़की कहीं दिख नहीं रही है, भाग गई है। क्या वीरू भाई को जाके बोल सकता है वो भाग गई? नहीं नहीं बोल ना, तो जाके ढूंढ उसे। बोल तू पुत्र, बाज वीरू भाई को बाद में जवाब देना। बहुत आदमी यही चाकू निकाल दिया था, पब्लिक में मार दिया। मुझे बचा लो।
टैटू वाला आदमी वो मुझे मारना चाहता है। और वो इसी को ही मारना चाहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और सत्या इसको ही मारना चाहता है। देख जैसे ये सांस नर्वस हो रही थी। ये नहीं हो रहा। बेटा बच गया बच गया क्योंकि इसने लड़की को बचाना था। ये वीरू भाई के आदमी तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? दिखता नहीं मैं एक हॉट लड़की हूँ? क्या हॉट हूँ? ब्यूटीफुल। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो मुझे बहुत माचो लगा। भाई वाओ व्हाट अ बॉडी सर, व्हाट अ बॉडी। इसको पता नहीं था कि आगे गुंडा है। आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ प्लीज? या अरे यार एक फोटो लो ना। ले खो दी खास के। थैंक यू। खो दी भाई साहब आप दिल में फंसेगी तो मेरा। हाँ वीरू छोड़ेगा गुंडा। देवा मुझे भूख लगी है। ओले बस उसी दिन से मेरी रातों की नींद दिन का चैन हराम करके रख दिया है। जब से वो मेरे पीछे पड़ा है मेरे आसपास के रहने वाले सारे हैंडसम लड़के मुझे देखते ही नहीं। यहाँ तक कि उसने मेरे घर आके मेरे माँ बाप को धमकी दी। एनीवेज तुमने मुझे उससे बचाया। और वो ढूंढ रहा किसी को ही था। और अगर वो लोग फिर से आ गए तो? फिर आ गए तो क्या वो पीछा करते रहेंगे? मैं ऐसे ही भागती रहूंगी। अगर अगली बार वो लोग आए तो उनसे कह देना तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन अभी तक मुझसे कोई पता ही नहीं है। तो ये प्लान है। अब बॉयफ्रेंड बनोगी तो मुझसे रोज मिलना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रहे, मैं जहाँ भी जाऊँगी वो गुंडे मेरा पीछा जरूर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारा पीछा करें। लेकिन सत्य कर क्यों रहा है ऐसा? हाँ एक बात बता तुम करती क्या? मेरा सपना है एक हीरोइन बनने का। क्या कहा? कोई डाउट है क्या? क्योंकि इसकी तो गर्लफ्रेंड वही थी। वैसे भी फिल्मों में ऐसी खूबसूरत शक्ल कहाँ देखने मिलती है? 11 बज गए क्या? क्यों? क्यों? अब देखना इस काली गाड़ी में से एक काला कौवा पंख फड़फड़ाते हुए नीचे उतरेगा। अब एक काला सांप चबाते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलेगा। भेड़ बकरियां भी उतरेंगी। भाई आइटम के साथ एक लड़का बैठा हुआ है। उसको क्या पता उसको कौन उठाने आया है। जाओ उठा के ला। हेलो ये तो इसी तरह आ रहा है। अगे काला कावा पड़ रहा है। और उसके साथ क्या कर रहा है तू? लगता क्या है बे उसका? हां मैं उसका जो भी लगता हूं तेरा तो जीजा ही लगता हूं साले। क्या बोल रही है? बोल रहा है कि बॉयफ्रेंड है। अपना टाइम खोटी मत कर। जानते हैं हम लोग कौन है? देवा। देवा के लोग हैं हम। प्रूफ क्या है? प्रूफ? ए गुंडों के पास कोई राशन कार्ड या आधार कार्ड नहीं होता है समझा? बोला तो मानने का। ले भाई साहब यार मजा आ गया यार। लेकिन भाई एक और लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन वही बात है कि रोला हुआ भाई बहुत। वही ना। और भाई जहां तक मैं ख्याल कर रहा हूँ कि भाई ये इस लड़की को सारा बना के उनको पेलेगा। हो सकता है क्योंकि इस लड़की के पीछे भी वो लोग पड़े हुए हैं। वरना क्योंकि दीप्ति इसकी अपनी थी गर्लफ्रेंड, वरना वो इसको थोड़ी बनाएगा। लेकिन वो ये खुद उनसे डर रही है। हाँ ना यार। लेकिन भाई ये कहता है कि तुम बता दो क्या तुम्हारा भाई। फिर वो भी आगे जाती है कहते हैं इसके लिए तो फिर मुझे मिलना पड़ेगा। लेकिन अगर वो उसको वहां पर ना मिलती तो पक्की उस घुंघराले बालों वाली की मौत थी। मौत थी। और अगर ये ना होता तो वो लड़की को भी ढूंढ लेते। ये भी मसला ये भी है, ये भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जब सत्य अपने घर पे जाता आगे वृंदावन जी अपना घर बनाकर बैठे होते और उसको बेचने के चक्कर में और कहता मैं सत्य का मामू और तेरे सामने वो सत्य खड़ा हुआ यार और तू भाई इसको बचा नहीं रहा। लेकिन भाई वहां से तो ये भाग गया। लेकिन अब ये देखते हैं कि कैसे मारता उनको। और सबसे पहला नंबर था ही है इसका। अबे और सब पे इसने काउंटिंग किया भाई पहले पे ये दूसरे पे ये तीसरे पे ये चौथे पे ये। लेकिन अब आगे देखता भागे होता है क्या तो